साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार नागर, कोटा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों आज का जो टॉपिक है वो हिंदी साहित्य का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है साथियों, और यहां से एक क्वेश्चन तो 100% चाहे आप किसी भी स्टेट में जहां पर भी हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे यहाँ से एक न एक क्वेश्चन तो जरूर आपसे पूछा जाता है। साथियों निश्चित रूप से ये मान लीजिएगा कि ये इनमें से एक क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से आएगा। तो साथियों आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, और अब राजस्थान में भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, एमपी में भी वैकेंसी अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी चली रही है, अभी एग्जाम होने वाला है। उसी तरह से अब यूपी में भी जो है वैकेंसी जरूर जारी होने वाली है। तो इस तरह के टॉपिक हर कॉम्पिटिशन में हिंदी साहित्य के इतिहास के जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये टॉपिक जरूर याद होने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनको हम लोग कैसे याद रखें, और इनमें से ये बातें हमें याद होनी ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या आईएएस की तैयारी कर रहे हो साथियों, अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो निश्चित रूप से वहां पर भी इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण रचनाएं होती है, उनमें सर्ग या समय, खंड या कांड, ये इनमें से कुछ ना कुछ तो पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो में साथियों सर्ग या अध्याय यानी कि 69 समय होता है। समय यहाँ पर जो सर्ग है उनको समय नाम दिया गया है, तो पृथ्वीराज रासो में जो है कितने सर्ग हैं, कितने समय हैं, 69 समय है साथियों। कामायनी के अंदर 15 सर्ग हैं, जिसमें पहला सर्ग चिंता होता है और दूसरा सर्ग साथियों आनंद होता है, यानी कि पहले इंसान चिंता में रहता है, उसके बाद में धीरे धीरे जब वो मेहनत करता है तो आनंद में वो चला जाता है। इस तरह से 15 सर्ग जो है कामायनी के अंदर हैं साथियों, ये पूछे ही जाते हैं, आप लोग निश्चित रूप से इनको याद रख लीजिए। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, और उनमें कितने सर्ग हैं, खंड हैं, काल हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में समाहित करने की कोशिश करी है, ताकि आपको फायदा हो जाए साथियों। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है साथियों, जरूर से जरूर चैनल से जुड़िए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। देखिएगा कामायनी में 15 सर्ग होते हैं, साकेत, साकेत एक महाकाव्य है, इसमें 12 सर्ग बताए गए हैं। कितने? साकेत में 12 सर्ग बताए गए हैं। साकेत जो महाकाव्य मैथिली क्षण गुप्त का है साथियों, और ये नवा जो इसमें सर्ग है साथियों वो उर्मिला से संबंधित है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो नवा सर्ग जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है और उर्मिला से संबंधित है, मैथिली क्षण गुप्त के द्वारा ये लिखा गया महाकाव्य है साथियों। वैदेही वनवास में जो है, वैदेही वनवास बहुत अच्छी रचना है, 18 सर्ग इसमें माने गए हैं। कितने सर्ग माने गए? 18 सर्ग इसमें माने गए। अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा ये रचना लिखी गई, कौन सी? वैदेही वनवास, ठीक है। प्रिय प्रवास इसमें 17 सर्ग हैं, ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा ही लिखी गई है। सूर सागर इसमें 12 स्कंद है। देखो सर्ग, समय, खंड, स्कंद, मतलब ये अलग अलग नाम से जाने गए हैं, हर हर अलग अलग जो है रचना है उसमें। तो सूर सागर में 12 स्कंद है, यानी कि समय सर्ग जो है उनको अपने यहाँ पर स्कंद के नाम से जानते हैं। भारत भारती में 3 खंड हैं, जो मैथिली क्षण गुप्त की ही रचना है। भारत भारती में कितने खंड हैं? 3 खंड है साथियों। पद्मावत में 69 समय है साथियों, पृथ्वीराज रासो में भी 69 समय है और पद्मावत में भी 69 समय है साथियों, ये याद रखना। पृथ्वीराज में पस है और पद्मावत भी पस है, तो इस तरह से 69 समय इनमें बताए गए साथियों। आगे बात करते हैं कुरुक्षेत्र में जो है 7 सर्ग हैं। कुरुक्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो अच्छे से इसको भी याद रखिएगा। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। गीता जी में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। गीता जी को जो है गाया गया है, गीता एक जो है गीती काव्य है या गे काव्य है साथियों। आगे रामचंद्रिका में 39 प्रकाश माने गए हैं। रामचंद्रिका में कितने? 39 प्रकाश हैं। उर्वशी में 5 अंग हैं। उर्वशी भी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना मानी गई है। इसमें
त्यागपंथी जो है, त्यागपति जो है पांच सर्गेस में बताए गए हैं, भाषा भूषण में पांच प्रकाश बताए गए हैं, विश्वदेव रासो में चार खंड हैं, 125 छंद हैं। विश्वदेव रासो आप सबको पता है नरपति नाहल की रचना मानी जाती है साथियों। वर्ण रत्नाकर में जो आठ कल्लोल माने जाते हैं। अब यहाँ पर सर्ग या प्रकाश को क्या माना गया है, कल्लोल कहा गया है। समय को क्या कहा गया है, कल्लोल कहा गया है। तो अलग अलग नाम से अलग अलग रचनाओं में माना गया है, बाकी चीजें वही है। तो वर्ण रत्नाकर में आठ कल्लोल है, अंधेरे जो रचना है उसमें आठ खंड है और 71 बंद है साथियों। तो इस तरह से इन रचनाओं में क्या क्या है मैं एक बार जल्दी से शॉर्ट में आपको फिर बता देता, रिवाइज कर देता हूँ। पृथ्वीराज रासों में 69 समय है, कामायनी में 15 सर्ग है, पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है साथियों। साकेत जो महाकाव्य है उसमें 12 सर्ग है, मैथिलेश्वर गुप्त के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, इसमें नवा सर्ग जो उर्मिला से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। वैदेही वनवास 18 सर्ग है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। साथियों यहाँ पर मैं आपसे आलतू फालतू बात नहीं करता हूँ, जो बात है वो क्लियर है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। आपको अच्छा लगता है तो साथियों निश्चित रूप से आप जुड़िए, आपको बेनिफिट होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत सारे फैक्ट मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ और आपको अच्छा लगेगा साथियों, 100% आपको फायदा होगा। जरूर से जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिए, आप जुड़िए प्लीज। और जो कोटा और राजस्थान के वासी हैं प्लीज निश्चित रूप से आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मजा आएगा आप लोगों को। और अपने इस दोस्त को जरूर सपोर्ट कीजिए। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं और जो वैदेह वनवास है उसमें 18 सर्ग है, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। सूर सागर में 12 स्कंद हैं, भारत भारती में 3 खंड हैं, मैथिलेश्वर गुप्त के द्वारा लिखा गया। पद्मावत में 69 समय माने गए हैं, पृथ्वीराज रासों में भी 69 समय ही है। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। महाभारत में कितने पर्व हैं, 18 पर्व माने गए हैं, आप सबको याद होगा। गीता में भी 18 अध्याय हैं जो 700 श्लोक इसमें बताए गए हैं। रामचंद्रिका में 39 समय है, याद रखना रामचंद्रिका में कितने समय है, 39 प्रकाश है। रामचंद्रिका में समय को प्रकाश माना गया है। उर्वशी के अंदर 5 अंग है, उर्वशी किसके द्वारा लिखी गई है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई रचना है। इसके बाद में त्यागपति 5 सर्ग बताए गए हैं, भाषा भूषण में 5 प्रकाश है, विश्वदेव रासो में 4 खंड है, 125 छंद है, नरपति नाम के द्वारा लिखी गई रचना है। विश्वदेव रासो एक रासो छंद है, इसमें वर्ण रत्नाकर 8 कल्लोल बताए गए हैं और अंधेरे में 8 खंड बताए गए हैं, 71 बंद बताए गए साथियों। इस तरह से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसमें और भी रचनाएं हैं, अभी उनको भी देखते हैं। चलिए देखिए आगे है, यहाँ पर जौहर, जौहर जो है श्याम नारायण जी के द्वारा लिखी गई रचना है, उसमें 17 खंड है। चंद्रगुप्त के अंदर जो है 04 अंक है, यानी कि 4 अंक माने गए हैं। ध्रुव स्वामिनी के अंतर्गत 3 अंक माने गए हैं। कोणार्क में जो है 3 अंक है। आषाढ़ का एक दिन में 3 अंक है। अजात शत्रु में जो है 3 अंक है और भारत दुर्दशा में जो है 6 अंक है साथियों। इस तरह से करीबन यहाँ पर मैंने ये 25 रचनाओं के बारे में आपको जानकारी दी है, निश्चित रूप से आपको इससे फायदा होगा साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और निश्चित रूप से अपने दोस्त को सपोर्ट कीजिए साथियों। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।